पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से शुरू करेंगी व्हीलचेयर प्रचार। कोलकाता में दोपहर 1 बजे पदयात्रा। कल पुरुलिया में होगी ममता बनर्जी की रैली। बांकुरा में भी कल ममता का कार्यक्रम। 17 मार्च को झारग्राम में करेंगी चुनाव प्रचार। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी आज नहीं जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। पहले आज शाम घोषणा पत्र जारी करने की थी खबर। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी की माथापच्ची। सीईसी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बीजेपी के दिग्गज नेता। बैठक में बंगाल के दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों का फैसला। सभी 5 राज्यों के लिए आज बीजेपी जारी करेगी लिस्ट। ममता बनर्जी की चोट पर मची सियासत के बीच आज आई चुनाव आयोग को सौंपी गई घटना की रिपोर्ट। रिपोर्ट में हमले से इनकार। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट में हमले के सबूत न मिलने का जिक्र। घटना को बताया गया हादसा। केंद्रीय चुनाव आयोग आज कर सकते हैं पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर फैसला। बीजेपी ने फिर ममता के हमले के दावे पर उठाए सवाल। व्हीलचेयर पर ममता के चुनाव प्रचार को लेकर भी निशाना। जारी किया गया एक्सरे, यहाँ से हड्डी टूट गई, आज वो हड्डी जुड़ भी गई 24 घंटे के अंदर। 2 दिन के बंगाल और असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज खड़गपुर में रोड शो, कल झारग्राम और बांकुरा में करेंगे रैली। असम दौरे पर आज तिनसुकिया और शिवसागर में शाह की रैली। 15 मार्च को गुवाहाटी के टाउन हॉल में कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई का समन। चिटफंड घोटाले में 15 मार्च को कोलकाता ऑफिस में पेश होने को कहा। बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पौजी स्कैम मामले में ईडी का समन। 19 मार्च को पेशी। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के पर्यवेक्षक ने लगाया पिटाई का आरोप। टीएमसी के खिलाफ शिकायत। केरल में बीजेपी 115 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सहयोगी पार्टी को 25 सीटें। तमिलनाडु में 20 सीटों पर बीजेपी का दावा। सभी सीटें जीतने का दावा। तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी। कन्याकुमारी लोकसभा उपचुनाव के लिए विजय कुमार को बना उम्मीदवार। लखनऊ में नाराज शिया समुदाय ने फूंका वसीम रिजवी का पुतला। जमकर नारेबाजी। जम्मू में फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। रोहिंग्या का समर्थन करने पर फूटा गुस्सा। एंजीलिया के बाहर झुलसन मिलने के मामले में पुलिस अफसर गिरफ्तार। एनआईए ने आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में पेशी। वाजे की गिरफ्तारी से पहले 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब। उस पर लगा है मनसुख हिरेन की हत्या करने का आरोप। सचिन वाजे पर जालसाजी करने, विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही बरतने का भी इल्जाम। एनआईए कर रही है जांच। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक के मामले में तिहाड़ जेल से भी जुड़ा कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ में बंद आयम आतंकी से करीब 7 घंटे पूछताछ की। तिहाड़ में बंद आतंकी तहसीन ने मोबाइल इस्तेमाल की बात कबूल की। स्पेशल सेल सोमवार को फिर से करेगी पूछताछ। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में एनआईए जांच पर उठाए सवाल। का एनआईए के जरिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। संजय राउत का आरोप, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के केस की जानकारी सबसे पहले पूर्व सीएम फडणवीस तक पहुंच रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई पुलिस के गिरफ्तार अफसर सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के कई और लोग भी हो सकते शामिल। पठानकोट के बामेल सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग, वापस पाकिस्तानी सीमा में लौटा। शोपियां में आतंकी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, टॉप जैश कमांडर सज्जाद अफगानी की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी। कृष्णनगर और बाहरी इलाकों में सक्रिय होने का दावा। लखनऊ में आईपीएस प्राची सिंह पर आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले विशाल सैनी के परिजनों का नया आरोप। कहा पुलिस बना रही दबाव। केंद्र सरकार के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का मोर्चा। गाइड नीति के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति। बंगाल दौरे पर पहुंचे मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान। सत्ता में लौटे तो यहां भी लागू करेंगे लव जिहाद के खिलाफ कानून। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान, आंदोलनकारी किसानों पर साधा निशाना। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है या आतंकी है या दलाल है या राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग हैं।
आज प्रयागराज के दौरे पर राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के नगर फोर्ट में बर्थडे पार्टी के दौरान डीजे के गाने को लेकर विवाद, गोलीबारी में एक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक मकान में संदिग्ध हालत में लगी आग, झुलसकर बुजुर्ग की मौत। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, फिर 24 घंटे में नए मामले 25,000 के पार, 161 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में 15,602 नए केस सामने आए, 88 की मौत। सिर्फ मुंबई में 1,709 नए केस दर्ज, 5 लोगों ने जान गंवाई। पुणे में फिलहाल सबसे ज्यादा 24,025 एक्टिव मामले कल दर्ज किए गए थे, 3,066 केस। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नगर पालिका और पुलिस को आदेश, नियम नहीं मानने वाले होटल और मॉल पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के जाफराबाद में दूध कारोबारी पर फायरिंग, हमलावरों का सुराग नहीं। गुना में दो बहनों ने पिता पर लगाया हैवानियत का संगीन आरोप, एफआईआर दर्ज। लखनऊ के मूलालगंज में युवक की हुई हत्या में पुलिस का दावा, मंगेतर का था हाथ, कत्ल के 6 आरोपी गिरफ्तार। अमरावती में कुएं में गिरा 4 साल का बच्चा और पिता, उसके पिता दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाई जान। फाजिल्का में रेलवे ने अवैध मकानों पर चलाया बुलडोजर, 2 महीने नोटिस देने के बाद भी नहीं हुए थे खाली।